जो उलन क्लॉथ हैं वो कीप अस वार्म इन विंटर, सर्दियों में वो हमें गर्म रखते हैं, कैसे? वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, वो हीट को जल्दी कंडक्ट नहीं करता, मतलब हीट को पास नहीं होने देता। इसके बाद जो एयर है वो भी ट्रैप्ड हो जाती है वूल के फाइबर्स में, एयर भी ट्रैप हो जाती है। एक तो पुअर कंडक्टर है, दूसरा एयर भी उसमें ट्रैप हो गई। तो एयर जो प्रिवेंट करती है फ्लो को, फ्लो ऑफ हीट, पर हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है उसे बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमें गर्म की फील देता है। सर्दियों में जो गर्म कपड़े हैं इसका मतलब ये है, एक तो वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हमारी जो गर्माहट है वो बाहर नहीं जाने देगा जल्दी, और दूसरा वो एयर को भी ट्रैप कर लेगा, जिससे एयर और रोक देगी फ्लो ऑफ हीट। इसलिए हमें अगर बाहर ठंडा है तो भी अगर हमने गर्म कपड़े पहने तो भी हमें पसीना आ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी की हीट है वो जल्दी बाहर पास नहीं होने देती। क्यों? पुअर कंडक्टर, कुछ तो पास हो गया बट पुअर कंडक्टर है, ज़्यादा पास नहीं होने देगा वो। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से ही जो उलन क्लोथ्स हैं उसमें हम उनमें हमें गर्मी लगती है, क्योंकि वो हीट को पास नहीं होने देते। जैसे कि कॉटन के कपड़े हैं तो वो हीट पास होने देते हैं, इसलिए गर्मी में वो सही है। पर सर्दियों में अगर हमारी जो बॉडी की हीट अगर वो पास होती रहेगी तो हमें ठंड लगेगी ना, तो वार्म जो कपड़े हैं, उलन जो क्लोथ्स है, वो ऊल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, इतना याद रखना है। पुअर कंडक्टर हीट है, जो हमारी बॉडी की हीट है उसे बाहर नहीं जाने देती। जब एयर, जब वो हीट बाहर नहीं जाएगी, और दूसरा एयर जो उसके बीच में है वो भी रुकी हुई है, उसने भी ट्रैप कर रखा है, तो हमारी हीट बॉडी की वहीं रह जाएगी और हमें फिर ठंड नहीं लगेगी, गर्माहट होगी उसमें फिर।